खामगाव येथील मानव उत्थान सेवा समिती व ओझोन हॉस्पिटल अकोला यांच्या संयुक्त विद्यमाने 6 मेला शेगाव मार्गावर भव्य औषध वाटप कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या ठिकाणी भव्य प्रवचनाचा कार्यक्रम सुरू असून प्रवचनातील हजारो भाविकांना जवळपास 5 लाख रुपयांच्या औषधांचे निशुल्क वाटप करण्यात आले. ओझोन हॉस्पिटल येथील डॉक्टरांच्या पथकाने रुग्णांची आरोग्य तपासणी करून जवळपास 4.5 ते 5 लाख रुपये किमतीच्या औषधांचे यावेळी निशुल्क वाटप केले. यावेळी डॉक्टर योगेश साहू यांच्या नेतृत्वात डॉक्टर रेखा साहू, गोविंद अग्रवाल, डॉक्टर ज्योती राठोड, भावेश गुरुदासानी, डॉक्टर संजय राठोड, डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव, डॉक्टर अशोक केला, डॉक्टर प्रशांत सोर, श्रीमती सोर, डॉक्टर कबीर देशमुख, पराग घोरपडे, डॉक्टर अजय चव्हाण आदींनी खामगाव येथे पोहोचून प्रवचन मंडपातील उपस्थित भाविकांना सेवा प्रदान केली. सत्संग आयोजित हुआ है खामगाव में, इसमें सभी सत्संगी भाई बहनों और कुछ बाहर के भी जो गरजू रुग्ण है इनको यहाँ मेडिकल फैसिलिटी हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं. सेवा में हम लोगों ने अभी तक यहाँ पर हजारों पेशेंटों को चेकअप किया है. इन सभी पेशेंटों को निःशुल्क औषधि उपचार की जा रही है. टूथपेस्ट, माउथ वॉश का यहाँ पर इन लोगों को सभी सत्संगी भाई बहनों को निःशुल्क दिया जा रहा है. खामगाँव के अंदर ये एक बड़े विशाल पैमाने से हो रहा है. हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में सद्भावना हो, हम चाहते हैं कि हमारे नगर में सद्भावना हो, हम चाहते हैं हमारे प्रदेश में सद्भावना हो और हमारे देश में सद्भावना हो और सारी दुनिया में सद्भावना हो. यहाँ से यही संदेश प्रसारित हो रहा है कि हम सब दुनिया के अंदर शांति चाहते हैं, हम दुनिया का कल्याण चाहते हैं और सद्भावना चाहते हैं. तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा जन समुदाय आया हुआ है. महाराष्ट्र संतों की भूमि रहा है और यहाँ से संतों का जो संदेश है वो प्रसारित हो रहा है और ये अध्यात्म का संदेश, योग का संदेश प्रसारित होगा तो हमारा देश विश्व गुरु.